तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी हम लोगों के सामने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जहां पर फोर ऑप्शन दिए गए हैं, थ्री रॉन्ग है और एक राइट है ना। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं जनरली। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन करना होता है क्वेश्चंस का। इच रिप इज ए फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिप्स आर कनेक्टेड डोर्सली टू द थोरेकिक एंड वर्टिब्री एंड द वेंटिकल टू द स्टर्नम। ये बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी की लाइन मैच कर करके सब दिए हैं आपको। जहाँ एनसीईआरटी में रिप्स की क्वालिटी दे रखी, क्वालिटी वैसी की वैसी रिप्स दे रखी कि 12 पेयर होती हैं, है ना। और नॉर्मली क्या होता है कि हर रिप्स की ये कंडीशन होती है कि वो फ्लैट होती है, थिन होती है, और जो रिप्स का डोर्स जो पार्ट होता है कनेक्टेड, वो थोरेकिक वर्टिब्री से जो होता है वो डोर्जली वाला कंडीशन होता है, और जो वेंट्रल वाला होता है वो क्या होता है, स्टर्नम जो होता है उसके साथ करेक्ट होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। फिर भी हम लोग, राइट आंसर हमारा मिल गया है फर्स्ट, फिर भी हम लोग अदर रोंग स्टेटमेंट देख लेते हैं। देर आर सेवन पेयर्स ऑफ वर्टिब्री वर्टी ब्रो स्टेनल, थ्री पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो कॉर्डल एंड टू पेयर्स ऑफ वर्टिबल रिप्स, वर्टिब्रल रिप्स। ये कैटेगराइजेशन गलत है ना। जो हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं उसमें कैटेगराइजेशन में कि कौन सी ट्रू रिप्स हैं, कौन फॉल्स हैं, कौन सी फ्लोटिंग रिप्स हैं, है ना, तो उसका कैटेगराइजेशन वर्टिब्रो जो होता है वो सही नहीं है। एट नाइन टेन पेयर ऑफ रिप्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, ये ऐसा नहीं, उसकी क्वालिटी भी गलत है। एट नाइन टेन जो होती है वो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ पेयर्स ऑफ रिप्स एरिया कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टेज। हाइलिन कार्टेज की हेल्प से इलेवन ट्वेल्व पेयर नहीं होता, ये जनरली क्या होता है, फ्लोटिंग रिप्स का होता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या है जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय हुगुडो वेरीज आर। देखिए, हम जानते हैं कि दो तरह के वेरिएशन थे। अगर डार्विन वेरिएशन की बात की जाए, चार्ल्स डार्विन की हम बात कर रहे हैं, तो वो स्मॉल थे और डायरेक्शनल थे, जो हमको ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, जबकि हमसे पूछा गया है हुगुडोवरीज वाला, इसलिए ऑब्वियसली ये गलत है ना। डायरेक्शनलिस्ट तो जो कंडीशन है वो स्मॉल की नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं हुगुडोवरीज की, तो वो कैसे थे, रैंडम और डायरेक्शनलेस, रैंडम और डायरेक्शनलेस, एस कंडीशन के अकॉर्डिंग था, इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों क्या है, फोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन वाला, आराम से आप इसको सोल्व कर ले होंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अपना जो है बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, आप इसको जूलॉजी बॉटनी में काउंट कर सकते हैं। ऐसे तो मैं आपको कल बॉटनी भी थोड़ी देर बाद आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अभी इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। फ्लोविंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ हम लोगों को इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बेकबोन एट ए स्पेसिफिक साइट ऑफ इच स्टैंड। जो शुगर बेकबोन होती है उसको स्पेसिफिक साइट से कट करता है। ठीक है, नेक्स्ट द एंजाइम रिकॉग्नाइज, ये तो बिल्कुल सही करेक्टर है, हमको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है ना। द एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, ये भी इसका मेन फंक्शन होता है। द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाई पोजिशन विद इन डीएनए। डीएनए में जो भी आइडेंटिफाई पोजिशन होती है, मान लो डीएनए में यहाँ इस पर्टिकुलर साइट से कट करना है तो वहाँ से कर सकता है। द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। अगर टू स्ट्रैंड है उसमें से ओनली वन स्ट्रैंड को कट करेगा और उसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये जो बात है वो गलत है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट है कि अगर टू डीएनए स्ट्रैंड है तो उसमें से एक के साथ कट करे हो एड होगा किसी भी एक पर स्पेसिफिक साइट पर, और उनमें से किसी एक को कट करेगा, जबकि इसका कटिंग पैटर्न आप जानते हैं दोनों तरफ से होता है, थ्री डैश इधर से एंड से भी, थ्री डैश एंड से भी, दोनों तरफ से कट करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है फोर वो क्या है, रॉन्ग है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करेंगे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन।
देखो थर्मोरेगुलेशन की जहाँ बात आती है वहाँ हाइपोथैलेमस की बात आती है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा सोचने वाला नहीं है कि हम लोग थोड़ा सोचें कि कॉर्पस कैलोसम क्या होता है। कॉर्पस कैलोसम तो एक प्लेट है, इस पर क्या होता है, दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं, है ना। और जो मेडुला ऑब्लेंगेटा है वो जितनी भी हमारी अनवांटेड विशेज वगैरह जो है हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। सेरेब्रम जो हमारा सबसे सोचना समझना थिंकिंग थॉट प्रोसेस का मेन रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। अब अगर आर्टिफिशियल किडनी का हम यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हीमोडायलिसिस कर रहे हैं, तो हमने हीमोडायलिसिस में बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि जो वेन वाला पार्ट होता है ना, यूरिन जो किडनी की जो वेन होती है उस वेन को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके अटैच कर देते हैं हीमोडायलाइजर से, है ना, वो वगैरह सब आपने उसकी स्टडी की है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट दिए 4 और उसमें से पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, है ना। अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछे गए हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। नाइट्रोजन वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, यानी ऐसा हो जाएगा कि अगर आपने आर्टिफिशियल किडनी यूज़ कर ली हीमोडायलिसिस के लिए तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा वो बिल्डअप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आर्टिफिशियल किडनी मतलब हीमोडायलिसिस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हीमोडायलाइजर यूज़ कर रहे हैं, कहने का मतलब यूँ है कि हम हीमोडायलाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो हीमोडायलाइजर का रोल क्या है। हीमोडायलाइजर जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है उसको बॉडी में बिल्डअप नहीं होने देगा, उसको वैसे ही बाहर निकालेगा जैसे नॉर्मली क्या होता है हमारे किडनी फंक्शनल होती है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, एक्सेस पोटेशियम आयन का एलिमिनेशन नहीं होगा ये तो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, जो ऑप्शन आपको दिख रहा है। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, थोड़ा सा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो होता है कैल्शियम आयन उसको इफेक्ट होगा, ये भी सही है। रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन के साथ कोई पर्टिकुलरली रिलेशन नहीं है इसका, तो डी ऑप्शन का तो होना ही, जो ऑप्शन ए और बी में दे रखा है वो कहीं भी रिजल्टेड नहीं है। ओनली रिजल्टेड क्या है कि जो ऑप्शन बी और सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर।